खबर न्यूज चैनल में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता सतीश शर्मा जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करें और जम्मू कश्मीर और भारत में जो राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है उस पर इनसे विचार जानें, इनके कि इनकी क्या विचारधारा है। सर, जेके खबर न्यूज चैनल और ओके इंडिया में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सर, सबसे प्रथम हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप राजनीति में कब और कैसे आए? देखिए, एक तो पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो मुझे आपने अपने चैनल पे बुलाया। यहाँ तक राजनीति का विषय है तो मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे खुद अपना पता नहीं है कि मैं कब आया। लोग कुछ कहते हैं कि 10 साल 20 साल 30 साल पुराने, तो हमारा तो बचपन जवानी और अब तो बुढ़ापे में आ रहे हैं और पैदाइश ही इस राजनीति में। सर, एक बात, मेरी पारिवारिक जो भूमिका है, पारिवारिक जो संबंध है वो राजनीति से ही है। मेरे पिताजी या मेरे दादाजी, हम राजनीति में थे, एक समय का जनसंघ और आज की भाजपा, हम लोग शुरुआत से इसी में। सर, एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, बिलावर में भाजपा का एक बहुत बड़ा चेहरा जिसे लोग सतीश शर्मा के नाम से जानते हैं, लेकिन आज जब लोकसभा इलेक्शंस हुई पिछली, लोगों ने भाजपा का भरपूर सहयोग दिया, साथ दिया और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को जिताकर सांसद बनाकर दिल्ली में भेजा और उनको वोट देने के बाद, बहुमत से भी ज़्यादा वोट देने के बाद लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप बताइए कि लोगों के साथ वो सही ढंग से क्यों नहीं चल पाए? नहीं, ऐसा विषय नहीं है, कोई भी ठगा सा ना महसूस करें, काम हुए हैं, काम होंगे, लेकिन थोड़ी सी अब यहाँ तक समय की बात है और ये समय का जो चक्रव्यूह है ना, ये सारी उसकी रचना है। होता ये है कि कई बार अपने को भी कुछ करना पड़ता है और हम लोगों का अगर कुछ नेताओं की, कुछ लोगों की अगर कोई त्रुटियाँ रह गई हैं तो उसके लिए हम क्षमा भी मांगते हैं, क्योंकि अगर गलती किसी से हो जाए तो उसके क्षमा मांग लेनी चाहिए जनता। क्या सर, इस बार मान के चलें कि उधमपुर डोडा रियासी जो लोकसभा इलेक्शन है उसमें क्या सतीश शर्मा जी एमपी सांसद के रूप में इलेक्शन लड़ेंगे? ऐसा नहीं होता। होता ये है कि आपके ध्यान में डाल दूं, ये जो उधमपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र है, मेरे मन करने से ये नहीं होता कि मैं सांसद बन जाऊँगा। ये जो विषय है, ये हमारे जो राजनीति का जो एक मेन वो रहता है कि भाई दिल्ली में हमारा जो केंद्रीय बोर्ड है, जो ना पार्लियामेंट्री बोर्ड जो, वो डिसाइड करता है कि किनको मैंडेट देंगे। वैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ से हमारे सांसद हैं और वो प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री भी हैं और अभी तक तो वो सांसद हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड क्या डिसाइड करेगा, ये बात का विषय है। सर, एक बहुत बड़ी बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, बिलावर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह जी हैं और इसी क्षेत्र से लोकसभा में सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, दोनों ये कभी भी बिलावर में एक मंच पर नहीं दिखे, इसका क्या कारण है? ये प्रश्न आप मेरे से कर रहे हैं या अच्छा तो ये होता कि आप उनसे करते? नहीं सर, या तो सांसद महोदय से करते या तो आप अपने विधायक से करते। ये प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, ये वही दे पाएंगे, ये मेरे बस का रोग नहीं है। अभी सर, जो लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें आपकी क्या रणनीति रहेगी? मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूं और पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा और जिस जगह पे पार्टी मुझे फेंकेगी मैं वहां पे बैठूंगा और यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरी भूमिका है। मैं पार्टी के साथ, हम लोग जिस संगठन से हम लोग निकल कर आते हैं, हमको तो वहाँ पे यही सिखाया गया है कि अपने लिए कुछ ना करते हुए देश के लिए, समाज के लिए और ये राष्ट्र की उन्नति के लिए। और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक बात कह दूँ कि जम्मू कश्मीर जो है इसका कुछ अलग से परिदृश्य है और हम लोग जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, भारत का अक्षुण्ण अंग बना रहे, इसके लिए हम लोग कृत संकल्प हैं, यही मेरा आपसे निवेदन। सर, और कोई जिला कठुआ के लोगों को कोई आप संदेश देना चाहते हैं? संदेश बस यही है कि चुनाव सर पे है, लगभग 70 और 80 दिन के बीच में चुनाव होगा, तो आप सब लोग बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए। और मैं तो यह कहूँगा
कि मेरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति आता है उसको आप सर आंखों पर बढ़ा के, और हमें हमें अब ये नहीं देखना कि व्यक्ति कौन है कौन नहीं है, हमें तो मोदी जी को देखना है। और मोदी जी जो है वो मात्र केवल भारत के प्रतिनिधि नहीं है, दुनिया का एक ऐसा व्यक्ति है, दुनिया का एक ऐसा राजनेता है कि जिसने दुनिया के अंदर भारत की अरुण ध्वजा को फहराया। आज लोग आज अगर भारत का नाम लोग बड़े फखर से और गौरव से लेते हैं तो उसका श्रेय मोदी जी को जाता है। मोदी जी को देखते हुए मैं जनता से यही कहना चाहूंगा, विनम्र निवेदन करके, विनम्र पूर्वक आग्रह करके कि मोदी जी को देखते हुए आप लोग मोदी जी को वोट दीजिए। मछली नहीं, मछली की आंख के सिवाय, कमल का फूल नहीं, फूल के सिवाय आपको दूसरा कुछ नहीं दिखना चाहिए। यही मेरा पूरे इस लोकसभा चुनाव क्षेत्र की जनता को संदेश है, ये मेरा आपसे और ये पूरे प्रदेश की जनता से और पूरे देश की जनता से भी ये मेरा आग्रह है कि मोदी जी इस समय जो है वो हमारी जरूरत है और मोदी जी देश की आवश्यकता है। यही मेरा निवेदन है।